अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिदला फ्रॉम कासिक रहमान बॉयज़ हाई स्कूल। चैप्टर नंबर 3 है, बायोडाइवर्सिटीज़ का नाम है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देना इन टू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। एम्स कहते हैं हम मकासद को और प्रिंसिपल कहते हैं सुलूक को। मतलब क्लासिफिकेशन के एम्स क्या है, मकासद क्या है, हम लोग क्यों ग्रुपिंग करते हैं और उसके प्रिंसिपल क्या है। अगर ग्रुप को सब ग्रुप्स बनाते हैं तो वो किस असूल पर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जनरल उन्होंने दिया हुआ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई हमें। लाइक जैसे हमें पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था तकरीबन दुनिया में जो है साइंसदानों के मुताबिक 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें से साइंटिस्ट जो डिस्कवर कर चुके हैं, जिसके मुतालिक वो लिख चुके हैं या इन्फॉर्म किए हमें, वो 1/3 इस कैटलॉग्ड। कैटलॉग का मतलब वही है जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। और अगर 1/3 की बात करें, 10 मिलियन है तो इसका जो 1/3 है वो तकरीबन इतना बनता है 3.33 मिलियन। अब ये जो 3.33 मिलियन है इसमें हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इसमें प्लांट कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कितने हैं। अगर बात की जाए एनिमल्स की तो कहा जाता है कि 1.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1.5 का मतलब है 15 लाख जो हैं वो एनिमल्स हैं अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो चुकी हुई है। और प्लांट्स जो हैं वो 0.5 मिलियन, मतलब तकरीबन कोई 5 लाख ऐसे प्लांट हैं जिनके मुतालिक जो साइंटिस्ट हैं वो डिस्क्राइब कर चुके हैं, और तकरीबन 2 मिलियन तो ये हो जाते हैं। और बाकी यहाँ से रह गया 1.33 मिलियन, और बाकी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अदर्स आर प्रोटिस्ट, फंजाई, एल्जी एंड बैक्टीरिया। मतलब बाकी जो है 2 मिलियन अगर आप निकालते हैं एनिमल्स और प्लांट, तो 1.3 मिलियन जो है वो बाकी ये सब होंगे, और बाकी टोटल जो है वो 10 मिलियन है। लेकिन जिसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन है और जिसके मुतालिक डिस्क्राइब किया जा चुका है वो 3.33 मिलियन है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की तो ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितने भी हैं सब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ जो है वो सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर एग्जांपल ली जाए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है हमें पता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोट होते हैं और ये स्मॉल इन साइज होते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर आम आंख से नज़र भी नहीं आते और ये सिंपल है। सिंपल इस वजह से कि इसमें कोई ऑर्गन सिस्टम, कोई टिश्यू लेवल नहीं है, जस्ट एक सेल है वही इसकी बॉडी है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं, और हमें पता है जो हमारी बॉडी है ह्यूमन बींग की ये बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को, जो आसानी से समझना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सेल, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, तो इस वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, उसके बाद आगे हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरह से जो है वो चलते हैं, डिफरेंट तरह से वो खाते हैं, डिफरेंट जगह पर वो रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इनको क्लासिफिकेशन जो है वो इन चीज़ों को देखकर भी की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हैबिटेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, सी में रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर। अब जो पानी में रहते हैं या ज़मीन पर रहते हैं उन सबको आप किसी एक ग्रुप में तो नहीं रख सकते, और इसी तरह से कुछ जो है वो सम वॉक, कुछ जो है वो पैदल चलते हैं, और कुछ जो है फ्लाई करते हैं मतलब उड़ते हैं, वो चलते नहीं हैं। कुछ जो है स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है साकिब जो अपनी जगह से मूव नहीं करते। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट की एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट जहाँ पर लगाया जाता है, उगाया जाता है वो वहीं पर रहता है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से कुछ जो है वो क्रीपिंग है, अपने पेट बैले के जो बल होते हैं जो है वो रिंग कर जो है मूव करते हैं। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म की, इसी की बुनियाद पर जो है ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म हैं कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल
प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एनिमल्स या ह्यूमन भी खुराक को एडजस्ट करते हैं। फंजाई जो है वो खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो गेटिंग फूड, फूड लेने का जो तरीका है वो सबका डिफरेंट होता है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। अनफेवरेबल कंडीशन को जो है वो अवॉइड करते हैं और ऐसी जगह जो ढूंढते हैं जहाँ पर वो रह सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन एक ही बात है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो। मेथड इन विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, वो मेथड जिसके तहत ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मकसद क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले दो ब्रांचेस बताई गई हैं, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी हमने चैप्टर वन में भी डिस्कस किया था, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उसको नेम दिया जाता है, उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। सिस्टमैटिक कहते हैं कि क्लासिफिकेशन और साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड किया जाता है कि इनके आबाओ अजदाद कौन थे, इनका ताल्लुक जो है वो किनसे था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमैटिक में पढ़ी जाती हैं। अगर हम बात करें इसके एम्स की तो दो एम्स हैं। एक ये है टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। ऑर्गेनिज्म के दरमियान मुशाबियत क्या है या उसमें इख्तलाफ क्या है, फ़र्क क्या है, इन चीज़ों को जो है वो देखा जाता है और इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मतलब क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जैसे हों, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, और अगर उनको देखा जाए क्लासिफिकेशन के ज़रिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक की जाए तो क्या उनके अभाव्यता देखते, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लासिफिकेशन में की जाती हैं। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, मतलब किस बुनियाद पर जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। एक तो यही है कि सिमिलैरिटीज देखे जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। डिफरेंसेस में ये देखा जाएगा कि दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये देखी जाती है कि आया कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म हैं क्या इनके आभाव्यता जो है वो मिलते जो एक दूसरे सेम ही थे, और वक्त के साथ साथ जो है उनमें एवोल्यूशन हुई, मॉडिफिकेशन हुई, चेंजिंग हुई, तो अब आकर वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो गए हैं। एग्जाम्पल हमें यहाँ दी है हमारी बुक ने स्पैरोज और पिजन की। अब चिड़िया और कबूतर दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो साइज़ का है, मतलब स्पैरो जो है वो छोटी होती हैं, पिजन जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो वो अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक की जाए तो वो हो सकता है कि ये पॉसिबल हो कि इनके जो अभाव्यता थे, इनके जो दादा परदादा थे वो सेम हों, और वक्त के साथ साथ उनमें मॉडिफिकेशन, एवोल्यूशन, चेंजिंग हुई हो तो इनमें भी फ़र्क आ गया हो। इसी तरह से अगर डिफरेंस देखना हो तो हम इंसेक्ट की बात करते हैं, हशरात, कीड़े मकोड़े और स्पैरोज। तो ये तो इंसेक्ट और स्पैरोज टोटली डिफरेंट हैं, एक दूसरे से टोटली डिफरेंस है। इनकी जो अपेयरेंस है, इनका जो साइज़ है, वो एक दूसरे से नहीं मिलता जुलता। तो ये तो हम वैसे भी नहीं बताएंगे कि इनके अभाव्यता जो है वो सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर पॉसिबल था कि ये मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप अंदाजे के तौर पर भी नहीं कह सकते कि इंसेक्ट और स्पैरोज के जो अभाव्यता थे वो सेम होंगे। इसी तरह से क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप, क्लासिफिकेशन की जाती है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन की जो बेस है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती थी। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मतलब उनकी अपेयरेंस कैसी है, उनका साइज कैसा है, उनका स्ट्रक्चर क्या। इंटरनल की बात करें तो आपने इंटरनल स्टडी जिसकी बात हमने की थी, एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त कैसी है उसकी, इन दो चीज़ों को देखकर भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल या इंटरनल जो स्ट्रक्चर सेम होगा उनको आप सेम ग्रुप में रख सकते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरा, एडवांसमेंट हुई, तो मॉडर्न मेथड के तहत अब जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसमें जो है स्टडी ऑफ डीएनए, डीएनए के मुतालिक देखा जाता है, स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम। मतलब अब ऑर्गेनिज्म को जो है मॉर्फोलॉजी की बेस पर तो नहीं चेक किया जा सकता, लेकिन
अगर आप उनका डीएनए, उनके जीन्स और क्रोमोसोम देखें तो ये आपको एग्जैक्ट जो वैल्यूज हैं, मतलब एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो बता देते हैं कि आया कि ये दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं, अब उनमें थोड़े डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन अगर उन दोनों का डीएनए सेम है, मतलब उसके अंदर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये जो हमें पता है नाइट्रोजन बेसिस से बनता है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये हमने पहले पढ़ी भी हुई है। तो अगर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन की अरेंजमेंट दोनों ऑर्गेनिज्म में सेम है, दैट मीन्स उन ऑर्गेनिज्म के जो अबाउट्स आते हैं वो सेम थे। इसी तरह से जीन्स और इसी तरह से क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर दो ऑर्गेनिज्म में सेम है, उनकी तादाद भी सेम है, तो दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म के जो अबाउट तादाद हैं वो सेम हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी क्लासिफिकेशन की जाती है। बुक से देख लेते हैं कि हमने याद क्या करना है। क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, देर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ, कहता है जमीन पर जो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से डिसिमिलर है, मिलते जुलते नहीं है। ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। कहते हैं एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन है, प्लांट्स की इतनी है, जो कि बायोलॉजिस्ट इनके मुतालिक जानते हैं, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग। कहते हैं ये सिंपल भी हैं, स्मॉल भी हैं, उसकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ये लार्ज भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी है, उसकी एग्जाम्पल ह्यूमन बींग है। सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑन लैंड, सम वॉक, अदर्स फ्लाई एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स कहते हैं ह्यूज काइंड ऑफ वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो और हर एक की वराइटी डिफरेंट हो तो ये मुश्किल हो जाता है कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है आप वो किस तरह से याद रखें। और यहाँ से जो है हमने ये करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आपने ये डेफिनेशन करनी है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आपने बस एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना है। उसके बाद है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एम्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की। द ब्रांच विच डील विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है सिस्टमैटिक्स की। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन टैक्सोनॉमी, डिफाइन सिस्टमैटिक, तो यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो देन भी आपने यही लिखना है। उसके बाद द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर, इनके एम्स क्या हैं, मकासद क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। बात कर चुके हैं हम पहले इस पर। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये दो पॉइंट आपने याद करना। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन करेक्टरिस्टिक्स। मतलब ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो वो आप सबसे पहले उनकी सिमिलैरिटीज चेक करेंगे कि इन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज क्या है, मुशाबहत क्या है, मुशाबियत क्या है। दीज सिमिलैरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। कहते हैं वो जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये बात सजेस्ट करती हैं, बताती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म तारीख में इनके आबाजता जो है वो कहीं ना कहीं सेम होंगे। हाउ एवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स, कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरोस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट। कहता है जो चिड़िया है वो ज़्यादा मिलती जुलती है कबूतर से एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। इट मीन्स दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज,
फॉर्मर टू का मतलब है वो इन दो की बात कर रहा है, स्पैरो और पिजन की। कहता है इन दोनों के दरमियान जो है कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जरूर है। और उसके बाद हाउ बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब जो मॉडर्न एज है इसमें ऑर्गेनिज्म को जो अपीयरेंस की बुनियाद पर नहीं, उनका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, क्रोमोसोम का, जीन्स का, उनको चेक करके जो है वो कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म मिलते इनमें कोई सिमिलरिटीज पाए जाते हैं या डिफरेंसेज हैं। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स द सिमिलरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट। मॉडर्न जीनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। वो सारी डेफिनेशन हमने जीनेटिक्स में पढ़ी थी, तो ये वही बात कर रहा है कि जो आजकल टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमिस्ट हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो जीन्स की बुनियाद पे, क्रोमोसोम की बुनियाद पे करते हैं। द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये दोनों पैराग्राफ आपने करनी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के। इसका क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखने, और हाउ बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने। थैंक यू सो मच।